Hare Krishna and a very good morning dear students. Today we will read the 11th chapter of English grammar articles. आप लोग ने शायद प्रीवियस क्लास में अगर आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा हो तो आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन एंड द. ये तीन तरह के आर्टिकल्स होते हैं और आज हम इनका यूज देखेंगे कि इनका यूज कहाँ पर होता है, कैसे होता है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है देयर आर 26 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट. अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? एबीसीडी. अल्फाबेट मीन्स एबीसीडी. एबीसीडी में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, है ना? 26 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट. ए ई आई ओ यू, उनमें से, उन लेटर्स में से ए ई आई ओ एंड यू, दीज आर कॉल्ड वॉवल्स. इनको क्या बोला जाता है? वॉवल्स, स्वर. वॉवल्स को हिंदी में बोलते हैं स्वर. ठीक है, और इसके अलावा, इन लेटर्स के अलावा बाकी के जितने भी लेटर्स होते हैं, ये बी से लेके और जेड तक, इनको छोड़कर जितने भी लेटर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, कॉन्सोनेंट को हिंदी बोलते हैं व्यंजन. ठीक है, तो ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वॉवल्स एंड अदर देन ए ई आई ओ यू ऑल अदर लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. ओके, अब हम यूज ऑफ ए देखेंगे. यहाँ पर यूज ऑफ ए आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ पर होता है. We use a before a noun when it begins with a consonant. हम a article का use उस noun के पहले करते हैं जब अगर वो word consonant से शुरू होता है. Consonant means इन letters से जब कोई word शुरू होता है तो उनके पहले हम a article का use करते हैं. ठीक है, चलिए कुछ example देखेंगे इसके. A teacher, a teacher, teacher के आगे a article, teacher का, because teacher का t जो है वो consonant है. ठीक है, a hut, यहाँ पर H कॉन्सोनेंट है. अ ट्री, टी कॉन्सोनेंट है. अ नर्स, एन कॉन्सोनेंट है. अ हॉर्स, एच कॉन्सोनेंट है. अ बनाना, बी कॉन्सोनेंट है. ठीक है, तो अभी आपने यहाँ पर देखा कि जितने भी वर्ड्स कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उनके आगे कौन से आर्टिकल का यूज होता है? ए आर्टिकल का यूज होता है उनके आगे. ठीक है, नाउ वी सी यूज ऑफ एन. एन आर्टिकल का यूज देखते हैं. वी यूज एन बिफोर अ नाउन व्हेन इट बिगिंस विद अ वॉवल. अब एन आर्टिकल का यूज हम तब करते हैं कि जब कोई भी वर्ड वॉवल से शुरू होता है. वॉवल मीन्स ए ई आई ओ यू. इन लेटर्स से अगर कोई भी वर्ड शुरू हो रहा है तो उनके पहले हम एन आर्टिकल का यूज करते हैं. ठीक है, अब वॉवल मीन्स होता है कि स्वर. तो जब भी ये जो ये है ना, जो स्टार्टिंग का लेटर है वो अगर स्वर की वॉवल साउंड निकल रहा है या वॉवल है वो वर्ड, तब हम एन आर्टिकल का यूज करते हैं. ठीक है, देखिए एन एप्पल, एप्पल का ए सा वॉवल. एन अम्ब्रेला, यहाँ पर अम्ब्रेला में देखिए यू है यहाँ पर. हाँ, अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब यू का प्रोनंसिएशन यू होगा जिस वर्ड में, वहां पर एन नहीं आएगा, वहां पर ए आर्टिकल का यूज होगा. जब यू का प्रोनंसिएशन यू होगा ना, तब उसके पहले ए आर्टिकल का यूज होगा. यहाँ पर यू का प्रोनंसिएशन अ हो रहा है, अम्ब्रेला अ, तो इसलिए इसके आगे एन आर्टिकल का, इसके साथ में एन आर्टिकल का यूज होगा. ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा. एन इंजन, ई भी एक वॉवल है, सो एन इंजन. ठीक है, नेक्स्ट एन एंट, यहां पर एंट का एक वॉवल है. एन आई, आई भी, ई भी एक वॉवल है. एन आउल, आउल का फर्स्ट लेटर ओ भी एक वॉवल है. तो इनके पहले, सबके पहले हमने कौन से आर्टिकल का यूज करा? एन आर्टिकल का यूज करा. ठीक है, अब देखिए यहां पर और क्या लिखा हुआ है. ऑल दीज नाउन्स आर सिंगुलर नंबर. ये सारे नाउन्स जो है ये सिंगुलर है ना. सिंगुलर मीन्स एक है. एंट मीन्स एक चिड़ी. एन, ए और एन दोनों का मीनिंग होता है एक, वन. ठीक है, एन एंट का मतलब होगा वन, एक चिड़ी. एन आई मीन्स एक आंख. एन आउल मीन्स एक आउल. ठीक है ना, तो ए और एन दोनों का मीनिंग एक होता है, एक. ठीक है, ऑल दीज नाउन्स आर सिंगुलर नंबर. ये नाउन्स जो है सब सिंगुलर नंबर है. ऑल ऑफ देम बिगिन विद अ वॉवल, और सबके पहले वॉवल आता है. ठीक है, इन सबके पहले वॉवल आ रहा है, इसलिए इनके पहले एन आर्टिकल का यूज हुआ है. ठीक है, द वर्ड्स आवर एंड ऑनेस्ट बिगिन विद द लेटर एच. अब देखिए यहां पर आवर, इसको हम क्या पढ़ते हैं? आवर, एच ओ यू आर को आवर, हावर नहीं बोलते इसको, और इसको पढ़ते ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं बोलते इसको, है ना. सो दे आर बिगिनिंग विद द लेटर एच. ये किस लेटर से शुरू हो रहे हैं? एच लेटर से. और हमने पढ़ा है कि एच लेटर एक कॉन्सोनेंट है, पढ़ा है ना, और कॉन्सोनेंट के पहले तो एन आर्टिकल नहीं आना चाहिए.
देख आप यहाँ पर देखिए एन आवर एन ऑनेस्ट, मैंने यहाँ पर आवर और ऑनेस्ट के पहले एन आर्टिकल का यूज हुआ है, लेकिन एच तो कॉन्सोनेंट है, तो यहां पर यह दिया है कि जब एच साइलेंट होता है किसी भी वर्ड में, है ना, तो उस समय जब एच किसी भी वर्ड में साइलेंट है तब उसके साथ में एन आर्टिकल का यूज होता है। यहां पर एन आवर एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। अगर यहां पर एन हावर, एच का प्रोनंसिएशन कहीं पर ह होगा ना, तब उसके आगे एन आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। जब भी अगर एच साइलेंट है किसी भी वर्ड में तो उसके पहले एन आर्टिकल का यूज होता है, ठीक है, समझ आया आप लोग को। चलिए अब इसका प्रैक्टिस टाइम 11.1 देखेंगे। पुट ए और एन बिफोर दीज वर्ड्स, हमको यहाँ पर ब्लैंक्स दिए हुए हैं एंड वी हैव टू फिल विद द ब्लैंक्स विद ए और एन, ठीक है। देखिए कहाँ पर ए आएगा, कहाँ पर एन आएगा, ये तो अभी हमने पढ़ लिया है, अब हम इस पर एक्सरसाइज के थ्रू भी देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस इज डैश ऑरेंज डैश एंड डैश एप्पल। ऑरेंज, ऑरेंज का ओ वॉवल है तो एन, एंड एन एप्पल, एप्पल का ए भी एक वॉवल है, तो इन दोनों के पहले एन आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस डैश वुमेन डैश बेबी एंड डैश बेबी। अ वुमेन क्योंकि डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है और यहाँ पर बी भी कॉन्सोनेंट है, सो यहाँ पर भी ए आर्टिकल और यहाँ पर भी ए आर्टिकल आएगा, ठीक है ना। थर्ड सेंटेंस एन डैश आई एंड डैश ईयर। आई के पहले क्या आर्टिकल आएगा, एन, क्योंकि यहाँ पर ई वॉवल है, एंड डैश ईयर, यहाँ पर भी ई वॉवल है सो यहाँ पर भी एन आर्टिकल आएगा। फोर्थ सेंटेंस डैश एल्बो, यहाँ पर ई वॉवल है तो एन आर्टिकल आएगा यहाँ पर भी। फिफ्थ सेंटेंस डैश ईयर डैश अ मंथ, अ ईयर, यहाँ पर वाई ई ए आर, y इज अ कॉन्सोनेंट, तो y कॉन्सोनेंट है तो अ आर्टिकल आएगा, और यहां पर भी m कॉन्सोनेंट है तो a आर्टिकल आएगा। सिक्स सेंटेंस डैश ऑक्स डैश अ बफेलो, यहां पर o वॉवल है तो यहां पर n आर्टिकल आएगा, और बफेलो का b एक वॉवल है सो यहां पर वो सॉरी कॉन्सोनेंट है तो यहां पर अ बफेलो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे सेवेंथ डैश अगली फेस, तो क्या होगा एन अगली फेस बिकॉज यू इज अ वॉवल। डैश आयरन बॉक्स एन आयरन बॉक्स बिकॉज आई इज अ वॉवल। डैश अनहैप्पी मैन, हेयर यू इज अ वॉवल सो एन आर्टिकल विल कम, एन अनहैप्पी मैन। एंड टेंथ वन इज डैश आवर डैश अ हाफ, तो अब देखिए डैश आवर यहां पर एच साइलेंट है तो एन आवर एंड अ हाफ, यहां पर एच का प्रोनाउंसिएशन अ नहीं है, साइलेंट नहीं है यहाँ पर एच, यहाँ पर हाफ, एच का प्रोनाउंसिएशन ह हो रहा है सो यहाँ पर अ हाफ आएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 11 टू 20 कुछ और यहाँ पर ये ब्लैंक्स में आपको फिल करना है, ए एंड एन आर्टिकल, और ये वर्क आप लोगों को करना है 11 टू 20, ये जो इनमें वर्ड्स के साथ में जो आर्टिकल्स फिल करना है ये वाला वर्क आप लोग करके मेरे को सबमिट करेंगे, ठीक है। अभी ये बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, आपको समझ में आया होगा, सो ध्यान से वीडियो को समझकर और ये वाली एक्सरसाइज करके मेरे को टाइम से सबमिट करिएगा, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।